मोहम्मद आरफ मेरा नाम है, तिरमली खजूर वाली पिंड महला बाग वाला जामा मस्जिद मंदिर के नजदीक घर है साडा। उत्थे दुकान मैं पाई सी दुध दही की, उस तो बाद अपना दुकान के बहते स चाह शाह पी गया से। यह अंसर चीमें के भट्ठे का मुलाजम से मसली सी, यह आके एक बह जाता सी चाह चू पींदा सी। की नाम सी मसली दा? बशीर सी दा नाम। अच्छा जी। दादा बशीर मानते सी। ठीक है। दादा दादा सारे उस मानते सी। बच्चों ने बड़ा प्यार करता सी, होरां बच्चों नहीं वर्गा लांदा सी। चाह की दुकान सी, चाह शाह पींदा सी, फिर शान होकर परां टुर जांदा सी। उतों फिर आउंदा सी चाह शाह पी के, फिर अपना टुर जांदा सी। दो तीन महीने ऐसा गुजरे ने, यह मेरा बच्चा से शान ये इस तरह सलामा का कम चाह बना दी। जो मैं इतने नहीं सर चाह शाह बना, मैं एक दिहाड़े अपना जुम्मे के दिन फौजवी तो चलिया गया संभड़े आए, तो इस तो बाद आया उसने नाल लिया वर्गा लालच लाया। चल भाई मोबाइल एक मेरे को पुराना, एक नवा लैना है। मैं हम वापसी जाना है, बारिशों का मौसम शुरू हो गया, मैं अपने वतन वापसी जाने तेरे मोबाइल लैके थे। ये बच्चा कुछ पढ़िया लिखिया सी, कोरोना की वजह ना बागी होया सी घर, चला परेशान सी। मैं कोल उठांदा सी क्योंकि स्कूलों छुट्टियां हुईयां सी बड़ियां, ते जिस वेले इत्थे खलांदा बहिंदा खलांदा सी, तो उसने लाज लाया ना चल मेरे नाल, तेनों तो रा मोबाइल लै लाँगा मैं, तो तेन वापसी गड्डी से बाहर देना, तू वापसी आ जा। इसने फिर उसनों राह वाली खड़िया, राह वाली नहीं मोबाइल लिया, फिर कहता चलो जीराबाद मेरा यार दोस्त उतो लैके जाने, उतों मोबाइल लैके देने तेन। बच्चे उ लै गया मोबाइल लैन वास्ते, उत्थे जो मोबाइल की दुकान से गया बच्चा नाल सी, उत्थे उन्होंने पुलिस वाले ने पता किया। उस तो बाद फिर जो ये उतों निकले ना, इस बच्चे ये कहना कि मैनू उन्होंने बोतल पियाई ने, बोतल भी कोई नशा दिता है, तो मैं डिग पिया लागर होकर। मैं बड़ा अपने आप में समझदार रहा, लेकिन समझिया नहीं मैं गया, मैं डिग पिया वहां तो डिगद्या सार उन्होंने मैं उन्हें चुके अगर गड्डी खड़ोती सी, फटोफट चुक के पा लिया। मैं नहीं पता कितने लै गए, दूसरों लोगों भी नहीं जमा होया बाजार के सरेआम खड़े, उन्हें यही सोचा कि इन्होंने अपना कोई जरा कोई बीमार हो वादा कटरा से पा के लै गए, तो आता जरा जंगल भी है बांध उच्चे तो लै गए। सरदार थाना जरा गुजरात के पिछले पास उ भी लै गए ने, फ्याज का पठा है असी उ फिर मगरों पता किया, उल्दा ये रात रहे रात रह निकल गए हैं। उस तो बाद जिसे अगे अगे जाते रहे पिछे पिछे से, फिर बच्चे का कहना कि मैं सियालकोट के कोल कुबे चक उ लै गए ने, उ सारे नाल मिले शिले गलत करते रहे अपना, तो फिर बच्चे के नाल सख्ती करता रहा। इस बच्चे को तीन बजे उठाता रहा वे, तो इटा पाँदा रहा हजार इट रोज ही बच्चे को पाँदा रहा। फिर उस बाद फिर इटा ट्राली आँदी सी, ट्राली के उत्ते इटा लगाता रहा, लगाता रहा इटा जुलम करता रहा, बाद संगल मार के अंदर बन छड़ता रहा। जो बच्चा गवाचा पिछों की करते रहे, बड़ी कोशिश की असी अपना घर का कि जरा समान से साढ़े को जमीन से अपना, अभी रहमानी बरादरी कमिहार बरादरी हाँ, साडा अपना जगह चलो अलहमदुल्ला अपनी सी, लेकिन खाना पीना जरा सारा मुलता, चौल मुलते आटा मुलता, हर चीज इस तरह से। तो फिर घर में पैसे जिन्हें मेरे को जमा जुमा से मैं सारे खर्च कर छड़े। फिर इतों तक जरूरत पेश आ गई, मैं इन्होंने घर में रक्षा से मुंडे बना के दिता से, मैं चलो चलाया करो दिया सबा बनेगा, एक लाख 13,000 दो छड़ो भी इसे पास ला छड़िया। सेम अलमारी सी जी अपना अज 43,000 की, मैं 8,000 की जरूरत मुताबिक लोड़ छड़ी, जिन्या चीजा लग गई बेच बेच के गुजारा करता रहा जी। फिर यह बच्चा कहीं मिले तक? ये बच्चा फिर उतों उन्होंने शराब की वजह ना, पानी की वजह ना, किस तरह उतों उन्होंने चले ने गड्डी के बैग स्पैशल इन्होंने कैरी डब्बा रखिया उन्होंने पा के लै जाते, पिस्टल रखा ही होर भी त्रै बंद ने यह लै गए रहीम यार खान उ गए ने, तो उन्होंने काम शम लगन वास्ते गए ने भट्ठे से, तो उन्हें आख्या भट्ठे के हाले काम शाम कौन बारिशा बुरशा का मौसम है, भट्ठे बंद ने, कोई 10-15 दिन रेस्ट करो तो बाद में काम देंगे। उत्थे इन्होंने जनाब अपना ये बच्चा फिर आसा आसा इन्होंने थोड़े थोड़े बोली भी उन्होंने बोलती सी, लोगों महसूस भी नहीं होता। तो फिर ये अपना ये बच्चा जरा ना कहता बच्चा कि बीमार होया बाबा, तो उन्हें कोई दवाई शवाई लिया अपने खाधी, तो मैं आता मैंने कुट कुट मैं लत्तां पईआं घुटना पिया, तो संगल लाया सी बूआ भी खुलिया सी। ये बच्चा फिर आप जिम्मेदार जरा ना भट्ठे का उसके को चला गया, तो उन्होंने दसा सारी साइंस ऐसा मैं बाबे चुके ऐसा किया ऐसा किया है जी। फिर ये फोन जरा उन्हें नठते वेखिया फोन रजार रहमान का,
ਇਹਨਾਂ ਚਾੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਨੱਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਰਜ਼ਾ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਦੀਮ ਅਬਾਸ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਗੱਡੀ ਕਰਾਈ, ਫਟੋਫਟ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਇਹ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਖਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਰਾਤ ਰੱਖਿਆ, ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਆ ਕੇ ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਠਾਣੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਘੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘੱਲੀ, ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਜੇ ਬਸ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਜਰਾ ਕੋਈ ਆਖੀ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਫਾਰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਨਾ, ਪਿਸਟਲ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਰਾ ਕੁੱਤੋਂਗਾ ਪਿਛਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਇਸਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਰੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਇਸਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਲ ਮਾਰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਸੰਗਲ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਸਿਟੀ ਸਦਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਸਿਟੀ ਦਾਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਚੱਕਰ ਲਏ, ਆਰ ਪੀ ਓ ਗਏ, ਸੀ ਪੀ ਓ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜੀ ਹਾਂ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਾਣ ਚੜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ, ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ 2-3 ਦਫ਼ਾ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ? ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ, ਪੀ ਪੀ ਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਜੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੀ ਟੀ ਐਸ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅੰਸਰ ਦੇ ਭੱਠੇ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਆਪਣਾ ਮੇਲੇ ਕੇਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾ ਸੀ ਪੀ ਓ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੁੱਝਿਆ ਆਪਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਵਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦੇ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਬੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਇੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ, ਜਵਾਰੀਆ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਮਰ ਭਰ ਕੈਦ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਿਆਨਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਚਲੋ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਚੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਏਡੇ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਸੀ ਪੀ ਓ ਤੇ ਜਾ, ਕਦੀ ਆਰ ਪੀ ਓ ਤੇ ਜਾ, ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਜਾ, ਆਓ ਲਈ ਆਹ ਲਿਖਿਆ, ਆਹ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਕੀਤਾ, ਤੁਰ ਗਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਹਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ, ਭੱਜਦੇ ਨੱਚਦੇ ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, 1 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੜਫਾਇਆ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਿਆ ਨਾਮ ਬੇਟਾ ਆਪਕਾ? ਅੱਛਾ, ਕਿਆ ਵਾਕਿਆ ਹੁਆ ਥਾ ਆਪਕੇ ਸਾਥ? मैं दुकान में अकेला था तो माँ बाप मेरे कहीं शहर में गए हुए थे, मैं फिर वहाँ आया तो घर में था, तो फिर इस ये बाबा जो से मेरे पास आया, मुझे कह रहा था एक न्यू मोबाइल। तीन आस बाबे था? मोहम्मद बशीर। मोहम्मद बशीर, अच्छा। एक मोबाइल न्यू लेना तो एक ठीक करवाना, इसलिए ये मुझे वजीराबाद ले गया, वहाँ जाके इसने खाना खिलाया, तो फिर इसने मुझे बोलते में कुछ चीज मिला के दी, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया, इसलिए मुझे फिर इसने कार में डाला, फिर मुझे नहीं अच्छी होश, ये मुझे कहाँ कहाँ फिराता रहा, तो फिर माँ बाप मेरे कह रहे थे ये गुजरात तो वजीराबाद यहाँ यहाँ घुमाता रहा था, फिर ये मुझे ले गए थे सियालकोट गजक में, सियालकोट गजक में वहाँ बैठा था, वहाँ इसने उन्हें रखा मुझे, तो अभी भी मुझे होश बुझा नहीं थी, आज वहाँ मुझे नशे की गोली खिलाते रहे, तो वहाँ रोटी भी नहीं थी टाइम की देते, मुझे मारते रहे पीटते रहे, तो फिर ईटों का काम करवाते रहे मुझे सुबह। कोई भट्ठा सी के कारखाना सी कितने काम करा देता है? अच्छा, फिर वहाँ मुझे मारते रहे पीटते रहे, फिर मैं संगलों के साथ रात को बांध देते, फिर मैं वहाँ गया था, फिर जब वहाँ 1 साल हो गया, फिर वहाँ ले गए मुझे रहीम खान में, वहाँ जाके फिर इन्होंने जिम्मेदार था एक
उनके पास ले बच्चे वहाँ पहले तो मुझे सिंह में ले जा नहीं लगे तो वहाँ पानी आया था इसलिए वहाँ नहीं मेरे खाम में ले गए। वहाँ जाके उन्होंने बिठाया मुझे जाके फिर ये बीमार हो गया था। फिर उन्होंने इसने कहा मुझे दुबा तो मैंने फिर दुबाने लगा तो ये दुबाते दुबाते सो गया। मैं पहले चौकी जाने लगा था लेकिन रावी बहुत दिन के दूर था चौकी का सफर। फिर मैंने कहा कि जिम्मेदार से बात करता हूँ तो ये पीछे ना आ जाए इसलिए मैंने जिम्मेदार से बात की। वहाँ उसने भट्टे में रहता था जिम्मेदार था उसने मुझे बताया कि बेटा आपके घर का नंबर आता। मैंने कहा नहीं। ये पास पिस्टल भी रखता था और मोबाइल मुझे बटनों वाला देता था सिम से बगैर कार्ड डाल के फिल्म ये मुझे दिखलाता रहता करता ये तुम यहाँ रहो तो मेरा नाम भी चेंज कर दिया था। तो क्या नाम रखा था आपने? मोहम्मद अमरान। अच्छा फिर इन्होंने नाम भी चेंज कर दिया था। तो फिर ये मुझे जब वहाँ लेके गए थे ना तब वहाँ जिम्मेदार से जब मैंने बात की उन्होंने सारा उन्होंने कहा कि घर का नंबर आता है तो नशे की गोली भी मुझे देते थे वहाँ। आपको खाने में क्या देता था? कुछ देता था खाने के लिए भी? कभी कभार दोपहर की मुझे खाना भी नहीं था देता प्याज जो है उसको चीर के वहाँ तिरका के वो ही देता था खाली रोटी छाट देता था। तो फिर वहाँ काम मुझे बहुत करवाता था। फिर वहाँ जिम्मेदार से जब मैंने बार ही मेरे खाने जाके बात की थी उन्होंने कहा कि आपको घर का नंबर आता। मैंने कहा मुझे भूल गया बहुत कुछ भूल गया। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आपका मैं फिर वहाँ जिनसे ना रजा रहमान भाई उन्होंने फिर कहा कि मैंने आप उन्होंने फिर नेट में तस्वीरें भी चढ़ाई हुई थी वहाँ उन्होंने बात की थी। तो उन्होंने चौकीदार में वहाँ उनके सबको बुलाया उन्होंने कहा कि आपके रिश्तेदारों से बात उनके रिश्तेदारों के बात में करते हैं उनसे बात की। फिर इनके रिश्तेदार आए तो रजा रहमान आए तो फिर उन्होंने मेरी मदद की थी।